तो साथियों, कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं और कुछ लोग आलीशान महलों में रहते हैं, जहां पर उनके सुख सुविधाओं की सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। कानपुर के पांडु नगर में ऐसे ही एक उद्योगपति रहा करते थे, जिनका नाम है संजय श्याम दासानी, जिनकी उम्र 48 वर्ष है। उन्होंने अपने घर में सुख सुविधा के इतने साजो सामान इकट्ठा कर रखे थे कि उन्हीं के चक्कर में उनकी जान चली जाती है, उनकी पत्नी कनिका दासानी की जान चली जाती है, और नौकरानी होती है 24 साल की छवि चौहान, उसकी भी जान चली जाती है उन सुख सुविधाओं के चक्कर में। जो वहां पे जो उपकरण थे, जो चीजें थी, जो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए लगाए थे, वही उनकी जान के लिए आफत बन गए। दीपावली की रात थी और दिए जला के सब लोग रखते हैं अपने घर में, ऐसा ही इनके घर में भी हुआ। संजय श्याम दासानी ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, कानपुर के पांडु नगर में रहते हैं, और इनकी एक अंबाजी फूड्स कंपनी है, और काफी जाने माने व्यक्ति वहां के लोग जो है इनको काफी इज्जत की नजरों से देखा करते हैं। गुरुवार की रात को इन्होंने भी धूमधाम से दीपावली मनाई और दीपक घर में रख दिए जगह जगह, और ये घर में सो गए। इनके घर में जो 3 मंजिला मकान है इनका, इसमें ये ऊपरी मंजिल पर रहते थे, तो घर में वुडन वर्क हो रखा था, लकड़ी का सारा काम। ये आजकल जो लोग होते हैं रहीसी में तरह तरीके की चीजें अपने घर में लगवाते हैं, तो वुडन वर्क उनके घर में था, ज्यादा वुडन वर्क था। ऐसा छानबीन में फॉरेंसिक विशेषज्ञ जो है वो बता रहे हैं कि वुडन वर्क की जगह से कारण वुडन वर्क के होने के कारण उनके घर में आग ने बहुत जल्दी ही भयावह रूप ले लिया। घर में ऑटोमेटिक दरवाजे थे जो गर्मी पा करके लॉक हो गए। अब आप समझ लीजिए, ऑटोमेटिक दरवाजे जो होते हैं, इसलिए इंसान लगाता है कि अपने आप खुल जाएंगे, हम कमांड देंगे, बोलेंगे ओपन द डोर और वो खुल जाएगा, हमको खोलना नहीं पड़ेगा हाथ से। और जब उनके ऊपर आपत्ति आई, उनके ऊपर जब विपत्ति आई, तो वही दरवाजा बंद हो गया। जो जो सुख सुविधा के लिए लगवाया था, वही चीज जान के लिए आफत बन गई। जो दिखावे के लिए जो वुडन वर्क था, वही चीज जान के लिए आफत बन गया, और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस सारे घटनाक्रम में जो संजय श्याम दासानी और कनिका दासानी उनकी पत्नी थी, एक बेटा था जो बाहर पार्टी करने गया था, वो बच गया है। नौकरानी छवि चौहान 24 साल की उनके घर में काम किया करती थी, वो बचाने के लिए जाती है कमरे में, वो भी लॉक हो जाती है, वो भी उसकी भी दुखद मृत्यु हो जाती है। बेहद गरीब घर से आती थी, उसकी माँ विकलांग है और हॉस्पिटल में दहाड़े मार मार के वो रो रही थी। तो इस पूरे घटनाक्रम से ये समझ में आता है कि जो चीजें हैं, जैसे लोग झोपड़ी में रहते थे पहले, वहां भी जलने को तो जल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉक हो जाते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। अभी आप सुख सुविधा के नाम पे चीजें लगवा रहे हैं, तो कम से कम अपने घर में इस घटना को ध्यान में रख करके ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में अपने मन में सोचें कि हम किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि जो आपत्ति विपत्ति होती है वो बता करके नहीं आती। आप सुख सुविधा के लिए सारी चीजें कर रहे हैं अपने घर में, तो बचाव की चीजें भी सोचते रहिए और ऐसी घटनाओं से सबक भी लेते रहिए। तो साथियों, उस घटना के बारे में आपको कुछ कहना हो तो कमेंट जरूर करें, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।